लोग बोलेंगे कि भाई ये कौन सा इतना बड़ा बच्चा आ गया, कैसा लगा मेरा मजाक। तो कहीं खाली होता है तो मैं जरूर मजा लूंगा उसका। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बड़ी मजे की चीज है क्योंकि आप ये देख रहे हैं ये क्लिफ टाइप, इन्होंने क्लिफ और साथ में रूप है जैसे फ्री फॉल आप जैसे करते हैं ये, और बहुत ही मजे मजे के झूले लगे हुए। मेरा भी दिल करता है कि मैं इन झूलों पर बैठ के जो है ना मजे लूं। अच्छा है मैं अंधा हूं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हैं डेफी पार्क। डेफी पार्क जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त लश ग्रीन पार्क, मतलब जो लोग नेचर पसंद करते हैं और ग्रीनरीज को ज़्यादा पसंद करते हैं उनके लिए बेस्ट स्पॉट है। इसके अलावा फैमिली के साथ भी आप अपना बेहतर टाइम गुजार सकते हैं। मज़ीद मैं भी वॉक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ आगे यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो जो यहाँ पर चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ, तो साथ रहिएगा। ऑल ग्राउंड्स हैं, बच्चों के खेलने के लिए झूले हैं और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है हर जगह। इसके अलावा आप यहाँ पर जो है कॉफ़ी वगैरह भी ले सकते हैं, यहाँ पर पार्क में कॉफ़ी भी अवेलेबल है। इसके अलावा आपका प्लान है फैमिली के साथ बारबेक्यू वगैरह करने का तो यहाँ पर ये अलग एक ओपन एक एरिया बनाया हुआ है जिसमें इन्होंने जो है चिमनी वगैरह भी बनाई हुई है जहाँ पर आप अपना बारबेक्यू वगैरह कर सकते हैं। बाकी यह है कि पूरा बहुत ही लश ग्रीन है। इसके अलावा यहाँ पर वॉक के ट्रैक भी बने हुए हैं, रनिंग के अलग ट्रैक बने हुए हैं और वॉक भी कर सकते हैं और जो आपने एंटरटेनमेंट करनी है यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा ये मनाजिर हैं कुछ डेफी पार्क के। अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं और मतलब अपनी हेल्थ कॉन्शियस हैं तो हेल्थ के हवाले से यहाँ पर कुछ ओपन जिम भी बनाया हुआ है कि ओपन आप अपना जो है एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ये इलिप्टिकल स्ट्राइडर मैनुअल लगे हुए हैं। इसके अलावा कुछ यहाँ पर सिटिंग बेंच है जो कि आप जिस तरह से हम वेट मशीन वगैरह के लिए करते हैं तो ये कुछ बनी हुई है। इसके अलावा जो है और भी जिमनास्टिक के हवाले से और कार्डियो के हवाले से यहाँ पर मशीनें पड़ी हैं और मतलब बच्चों के हवाले से बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि यहाँ पर जो है
बच्चों के झूले भी लगे हुए हैं। बच्चे जिस तरह ये देख रहे हैं आप, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इस तरह क्लिफ टाइप इन्होंने कुछ बनाया हुआ है बच्चों के खेलने के हवाले से, तो ये भी यहाँ पर इंटरटेनमेंट है। झूले हैं ये बच्चों के, बहुत अच्छे। और इसके अलावा ये जो जगह है, ये एक बेसिकली मोस्ट विजिटेड प्लेस इन द जुबैल में आती है। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं थिंग्स टू डू में, तो ये एक ऐसी जगह है जो आपको दिखेगी, मतलब कि जो लाजिम आपने विज़िट करनी है। तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, क्लीन इन्वायरमेंट है, और फैमिली के लिए बहुत ही बेस्ट प्लेस है। मतलब आप वीकेंड अपना स्पेंड करना चाह रहे हैं तो बेस्ट स्पॉट है। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि लाजिम आप इस जगह को विज़िट करें और अपनी फैमिली के साथ आएँ, अच्छा टाइम बिताएँ। और ग्रीनरी है, और आजकल वेदर बहुत अच्छा हुआ हुआ है यहाँ का, क्योंकि यहाँ मौसम सर्मा की तरफ जा रहा है। अभी तो आजकल खिजा का मौसम है। बहुत ही मजे के झूले लगे हुए, मेरा भी दिल करता है कि मैं इन झूलों पर बैठ के जो है ना मजे लूं। अच्छा है ना अंडा, पर जहाँ कोई भी यहाँ पर फ्री नहीं है, जहाँ भी कोई ना कोई एक आध बच्चा होता है, अगर मैं जाके बच्चा बनूंगा उनके आगे तो लोग बोलेंगे कि भाई ये कौन सा इतना बड़ा बच्चा आ गया, कैसा लगा मेरा मजाक। तो कहीं खाली होता है तो मैं जरूर मजा लूंगा उसका। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बड़ी मजे की चीज है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं ये क्लिफ टाइप, इन्होंने क्लिफ और साथ में रूप है, जैसे फ्री फॉल आप जैसे करते हैं, ये वैसे एक चीज़ बनाई हुई है, जैसे बच्चा ये भी रस्सी पे झूल के एक कोने से दूसरे कोने पे जा रहा है। ये तो प्योरली बच्चों के लिए, बड़ों की जगह नहीं है इसके लिए। ये एक कॉर्नर है, फिर इसके बाद आपको रोप को जो है इस कॉर्नर पर लेके आना होता है, इस पॉइंट पर, ताकि आप उधर उसकी सीट के ऊपर बैठ सकें और फिर यहाँ से आप जो है फ्री फॉल कर सकें एक कोने से दूसरे कोने तक। तकरीबन ये मेरे ख्याल में 50 मीटर तक का डिस्टेंस है। ये वो पॉइंट है यहाँ पर बच्चे अपना जो है, इन्होंने एक रैंप बनाया हुआ, रैंप पर ऊपर बैठ के और एक कोने से दूसरे कोने। दोस्तों ये पूरे मैप है इस पार्क का, क्योंकि ये एरिया आता है रॉयल कमीशन जुबैल एंड यम्बू। हमें जुबैल में, यम्बू मदीना के पास है। तो ये आप देख रहे हैं कि अभी हम इस जोन वन में मौजूद हैं, ये एक दिखा रहा है यू आर हेयर, जोन टू, जोन थ्री, जोन फोर, और बाकी ये सारा रेजिडेंस एरिया है। इसके अलावा इरिगेशन स्केड्यूल है, जिसमें ये लोग अपना काम करते हैं, वो सारा टाइम लिखा हुआ है, मतलब जहाँ भी इन्होंने गार्डनिंग वगैरह को टेक केयर करने के लिए, कटिंग ग्रास की करनी हो या कुछ भी करना हो, तो ये सारा लिखा हुआ है। सीज़न और ऑफ डेज भी लिखे हुए हैं इधर, सारा जो भी है, मतलब कब ये बंद होगा, तो बंद होगा तो मेंटेनेंस के हवाले से होगा, मतलब जो इन्होंने इरिगेशन स्केड्यूल लिखा हुआ है उसके हवाले से। दोस्तों ये पूरा वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, जो कि इसकी जो विड्थ है वो 2 मीटर है, और लॉन्ग तो जितना भी आप ले जाएं, जैसा कि मैंने आपको इस टोटल पार्क वो बताई डिस्टेंस, जो कि 4.5 किलोमीटर है। तो अभी हम जोन वन से क्रॉस करके जोन टू की तरफ जा रहे हैं, और वहाँ चल के मैं आपको कुछ दिखाता हूँ मनाज़िर। अच्छा, जितने भी यहाँ पर वॉकवेज बने हुए हैं वहाँ पर बहुत अच्छी इन्होंने लाइटिंग रखी हुई है। बाकी इसके अलावा कहीं कहीं दरख्त, क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा लश ग्रीन है, तो कहीं कहीं आपको ब्लैक एरिया नज़र आएगा दरख्तों के नीचे। बट अगर आप दिन में आ रहे हैं, ये दरख्त आपकी गाड़ी की पार्क के लिए बहुत अच्छी छाँव का सबब बन सकती है। अच्छा, ये वो एरिया सिटिंग एरिया जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इन्होंने एक छोटे छोटे हट टाइप बनाए हुए हैं, तो ये पूरा एक सर्कल है। ये बीच में भी एक इन्होंने डाइनिंग टेबल दी हुई है, जिसका हालत थोड़ी सी ख़राब हो रही है, हाउसकीपिंग इशू है। बाकी ये वो पॉइंट है जहाँ पर अंगीठी बनाई हुई है इन्होंने, जहाँ आप अपना बारबेक्यू कर सकते हैं, और यहाँ पर कोयले भी मौजूद हैं। हो सकता है कोई पहले जो आए होंगे उन्होंने यहाँ बारबेक्यू किया हो और वो अपने कोल्स वगैरह भूल गए होंगे। तो दोस्तों ये थे मनाज़िर इस पार्क के, डैफी पार्क के। अब मैं चलता हूँ अब आगे, क्योंकि मुझे कुछ एक छोटी सी ख़रीदारी भी करनी है, उसके बाद आगे के मनाज़िर आपको आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है मनाज़िर यहाँ के, बाकी मेरा प्लान है यहाँ से कॉफ़ी लेने का। कॉफ़ी मैं लेता हूँ और कॉफ़ी मैं इंजॉय करता हूँ, और आप दोस्तों से भी मैं इजाज़त लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाजम लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। भाई को दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।